गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू आर एच जी एम ऑनलाइन क्लासेस टूडे वी आर गोइंग टू लर्न लेसन नंबर फोर पॉइंट फोर माई फाइनेंशियल करियर दिस लेसन इज रिटर्न बाय स्टीफन लिकॉक सो वी स्टार्ट द लेसन माई फाइनेंशियल करियर वेन आई गो इन टू अ बैंक आई गेट रैटल्ड जब मैं बैंक में जाता हूँ तब मैं वहाँ नर्वस हो जाता हूँ रैटल मीन्स यर नर्वस द क्लर्स रैटल मी द विकेट्स रैटल मी विकेट्स काउंटर्स जो बैंक में बहुत सारे काउंटर्स होते हैं हर एक चीज़ वहाँ के क्लर्क वहाँ के जो विंडोज़ होती है जो काउंटर्स होते हैं उनसे मैं उनसे मैं नर्वस हो जाता हूँ द साइड ऑफ द मनी रैटल्स मी एवरी थिंग रैटल्स मी बैंक के अंदर जाने के बाद हर चीज़ से हर चीज़ मुझे हर चीज़ से मैं नर्वस हो जाता हो क्योंकि वह महसूस करते हैं बैंक में अंदर जाने के बाद कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ, हो जाती है उन्हें ऐसा लगता है कि मैं बैंक का व्यवहार उचित तरीके से नहीं कर सकता हूँ द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेश होल्ड ऑफ अ बैंक आई एम हेजिटिंग जे जो बैंक की जो सीढ़ियां है उसे क्रॉस करते वक्त मैं बहुत ही अपने आप को असहज महसूस करता हूँ इफ आई अटेम्प्ट टू ट्रांजेक्ट बिजनेस देयर आई बिकेम एन इरिस्पॉन्सिबल इडियट वह मन में सोचते हैं कि मैं बैंक में बिजनेस करते वक्त दैट बिजनेस मीन्स पैसों का लेन देन का काम जो बैंक में होता है उसे कहा जाता है बिजनेस तो वह काम करते वक्त कहीं मैं एक इडियट पर्सन ना बन जाऊँ एक फुलिश पर्सन ना बन जाओ आई न्यू दिस बिफोर हैंड बट माई सैलरी हैड बीन रेस्ट टू फिफ्टी डॉलर अ मंथ आई एंड आई फील्ड दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट आई न्यू दिस फोर हैंड यानी पहले से मुझे पता है लेखक बोलते हैं कि पहले से मुझे पता है कि बैंक में जाने के बाद मैं अपने आप को नर्वस महसूस करता हूँ मुझे वहाँ का जो व्यवहार है वह मुझे ठीक तरीके से करते आता नहीं मेरे अंदर में कॉन्फिडेंट uh, नहीं है कॉन्फिडेंस की कमी है कि मैं बैंक का व्यवहार करते समय बहुत नर्वस हो जाता हूँ मैं खुद को इडियट समझने लगता हूँ यह सब कुछ मुझे पहले से ही पता है बट माई सैलरी हैड बीन रेस्ट टू फिफ्टी डॉलर मंथ लेकिन मेरी जो सैलरी है वह पचास डॉलर मंथ बढ़ गई है एंड आई फील दैट द बैंक वॉज द ओनली प्लेस फॉर इट और मुझे महसूस हुआ कि बैंक ही एक ऐसी जगह है कि जहां जो मेरा वेतन बढ़ा है जो मेरी सैलरी बढ़ी है वो बढ़ी हुई सैलरी को मैं वहां पर सेफ तरीके से रख सकता हूं सो आई शंबल शंबल मीस मूव विथ अ स्लो और अकवर्ड गेट इन एंड अराउंड एट द क्लर्क अब उन्हें पैसे रखने थे बैंक में अब बैंक में उन्हें पैसे रखने जाना था कि जो उनकी सैलरी बढ़ चुकी थी तो वह बैंक में एंट्री करते हैं एंट्री करने के एंट्री करते वक्त ही वो घबराते हैं बैंक की जो सीढ़ियां जब चढ़ते हैं तभी वो उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है तो धीरे धीरे बैंक की सीढ़िया बहुत कुछ दिमाग में सोचते हुए वह क्रॉस करते हैं और बैंक के अंदर चले जाते हैं एंड लुक टिमिडली अराउंड एट द क्लर्स और वहाँ के क्लर्क वहाँ बैंक के अंदर एंट्री करने के बाद वह टिमिड डैश टिमिड का मीनिंग होता है टिमिडली मीन्स शायद टिमिडली अराउंड एट द क्लर्स और उन क्लर्स के तरफ शर्माते हुए देखते हैं यानी क्लर्स को वो क्लर्स की आंखों में आग डालकर उन्हें वो फेस नहीं कर सकते उन्हें उन क्लर्स को आई हैड एन आइडिया दैट पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड कंसल्ट द मैनेजर आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट मस्ट नीड्स कंसल्ट द मैनेजर उनके मन में आइडिया आया था जिस वक्त वो बैंक के अंदर में गए थे कि यदि किसी पर्सन को अकाउंट ओपन करना है तो वहां के मैनेजर से मिलना चाहिए आई वेंट अप टू विकेट मार्क अकाउंटेंट अब अकाउंट ओपन करना है तो वहां पर जो बहुत सारे बैंक्स में काउंटर्स होते हैं वहां पर एक काउंटर पर लिखा था अकाउंटेंट तो वह उस अकाउंटेंट वाले काउंटर पर चले गए जहां पर अकाउंटेंट नेम लिखा था लिखा हुआ था द अकाउंटेंट वाज अ टॉल कूल डेविल वह अकाउंटेंट वैसे उसकी हाइट अच्छी थी वह एक टॉल था लेकिन उन्हें वह भी एक डेविल की तरह दिख रहा था द वेरी साइट ऑफ हिम रैटल्ड मी वह भी जैसे ही उसने वो हर बार जो मेरे तरफ जब देखता था तो हर बार मैं अपने आप को खुद को मैं नर्वस महसूस करता था माई वॉइस वॉच माय वॉइस वॉच सिफल्स या फिर उदास अब वहां काउंटर में जाने के बाद उन्होंने उस अकाउंटेंट से कुछ बोला होगा तो उस समय वो अपने आप को बहुत नर्वस करते हुए नर्वस मानते हुए उससे बात करते हैं क्योंकि वो नर्वस हो जाते हैं जब जब अकाउंटेंट उनकी ओर देखता है तो वह बहुत अपने आप को नर्वस महसूस करते हैं उनके अंदर वैसे भी बैंक का व्यवहार करने का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है तो वह उससे कुछ कहते हैं तो वह इस आवाज़ में कहते हैं कि उनके आवाज़ में उतना दम नहीं होता एकदम उदास भरी आवाज़ एकदम एक कॉन्फिडेंस एक जब हमारा गिर जाता है डरते हुए हम किसी से बात करते हैं तो उस तरह से वो उस अकाउंटेंट से बात करते हैं कैन आई सी द मैनेजर बहुत ही नर्वस वे से वह बोलते हैं उसे हिम्मत करके कुछ बोल ही लेते हैं आखिर में अकाउंटेंट से कैन आई सी द मैनेजर आई सेड वह बोलते हैं राइटर बोलते हैं क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ एंड एडेड सोलोमनली अलोन और अचानक से एक वर्ड और बोल लेते हैं एन एडेड सोलोमनली अलोन आई डोंट नो भाई आई सेड अलोन क्वेश्चन करने के बाद क्या आई सीधे मैनेजर क्या मैं एक मैनेजर uh, से मिल सकता हूँ उसके बाद एक वर्ड वो अचानक से ऐड कर देते अलोन उन्हें खुद को ही नहीं पता कि अलोन ये वर्ड उन्होंने क्यों इस्तेमाल किया क्योंकि वो इतने घबराए हुए हुए होते बैंक में कि उन्हें पता ही नहीं चलता कि वो क्या बोल रहे हैं सर्टनली सेट द अकाउंटेंट एंड फेज हिम और जो अकाउंटेंट होता है वह उनका क्वेश्चन समझ लेता है और वह एंड फेच हिम हियर हिम मीन्स जो बैंक का मैनेजर है जिससे वह हमारे uh, राइटर मिलना चाहते हैं वह अकाउंटेंट वहाँ से चले अपने जगह से उठकर चले जाता है और अकाउंट uh, मैनेजर को पकड़कर कर uh, मैनेजर को पकड़कर राइटर के पास ला लेता है द मैनेजर वॉज अ ग्रेव कॉम काम uh, मैन मैनेजर को बहुत ही अच्छे शांत व्यक्ति है आई हेल्ड माई फिफ्टी सिक्स डॉलर क्लचड इन अ क्रम्पल बाल इन माय पॉकेट क्लच यानी किसी चीज को टाइट पकड़ के रखना क्रम्पल्ड मीन्स यानी किसी चीज को अनटाइड टाइटि वे से पकड़ के रखना यदि आपके पास में कोई पेपर है और पेपर का आपने बॉल बना लिया हम हमने देखा है कि हम हमारे पास में नोट होते हैं जो पैसे होते हैं नोट्स में तो हम उसे बहुत सारे आप देखते कि बहुत बहुत सारे लोग उसे बहुत ही फोल्ड फोल्ड करके रखते हैं अपने पास में बहुत सारी फोल्ड हमें उस नोट के ऊपर दिखाई देती है उसे बोला जाता है क्रम्पल्ड तो जो उनके पास में फिफ्टी सिक्स डॉलर होते हैं उनके पॉकेट में उसे वह बहुत ही टाइटली पकड़ कर होते हैं आर यू द मैनेजर आई सेड वह मैनेजर से क्वेश्चन करते कि आप मैनेजर हो गॉड नोज आई डोंट डाउट इट सिर्फ भगवान को ही पता है कि मैं उस पर आ, उस व्यक्ति के ऊपर डाउट नहीं कर रहा हूं यस ही सेड वह बोलता है व्यक्ति कि हाँ मैं ही मैनेजर हूं कैन आई सी यू आई आस्ट अलोन आई डिडेंट वॉन्ट टू से अलोन अगेन बट विदाउट इट द थिंग सिम्ड सेल्फ एविडेंट कैन आई सी यू आई आस्ट वो उससे फिर से क्वेश्चन करते कैन आए सी यू अलोन एक वर्ड और से यूज करते अलोन आई डिडेंट वन टू से अलोन अगेन फिर से वह अलोन ये वर्ड बोलना नहीं चाहते लेकिन उनके मुंह से वह वर्ड अपने आप ही निकल जाता है बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म और यह क्वेश्चन अलोन ये वर्ड बोलने के बाद में जो बैंक का मैनेजर है वह बहुत ही घबराए हुए तरीके से अलार्म मीन्स टू मेक समबडी फील फ्राइटन तो वह कुछ मैनेजर को ऐसा लगता है कि यह व्यक्ति कुछ मुझे बताना चाहता है ही फेल्ड दैट आई हैड एन आई फुल सीक्रेट टू रिवील वह सोचता है कि यह अकेले में मुझे कोई एक सीक्रेट ऐसी बात है जो मुझे बताना चाहता है कम इन हेयर ही सेड वो मैनेजर राइटर uh, को बोलता है कि कम इन हीयर इधर आ जाओ एंड लेट द वे टू अ प्राइवेट रूम ही टर्न द की और उसे और वह मैनेजर राइटर को एक प्राइवेट रूम में लेकर जाता है ही टर्न द की और उस प्राइवेट रूम की की प्राइवेट रूम में जो ताला लगा होता है उसे वो उस रूम को ओपन करता है वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हीयर ही सेड सेड डाउन वो मैनेजर बोलता है कि अब हम सेफ जगह में आ गए हैं या हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा सीट डाउन आप बैठ जाओ वी बोथ सेट डाउन एंड लुक्ड एट अनदर हम दोनों बैठ गए और एक दूसरे की ओर देखते रहे आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक स्पीक मेरे पास तो बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं था यू आर वन ऑफ पिंक मेन आई प्रिज्यूम ही प्रिज्यूम ही सेड बैंक मैनेजर लेखक को बोलता है यू आर वन ऑफ पिंकर एजेंसी है जो कि नियर अबाउट 1815 में शुरू हुई थी यू आर वन ऑफ पिंकर मेन आई प्रिज्यूम ही सेड वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप पिंकर एजेंसी के आ, Uh, व्यक्ति हो ऐसा मैं सोचता हूँ समझता हूँ प्रिज्यूम मीन्स टू सपोज समझना ही सेड टुडे वी स्टॉप हियर एंड रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस लेसन वी हैड सीन वी विल सीन इन नेक्स्ट वीडियो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे